पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। विभिन्न धारावाहिकों में बतौर अभिनेता काम करने वाले सौरभ पांडे जी ने जब श्री कृष्ण की भूमिका निभाई तब जीवन के प्रति उनके नजरिए में भी परिवर्तन आया। वे स्वभाव से जिज्ञासु हैं और सत्य तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। वे आध्यात्मिक पथ पर भी वास्तविकता को जानने की तलाश में हैं और इसी सिलसिले में छांदोग्य उपनिषद से ली गई श्वेत केतु और उद्दालक की कहानी से प्रेरित होकर वे अपने सवालों को लेकर आए हैं सच्चित आनंद श्रृंखला की इस कड़ी में। नमस्ते हितेश। नमस्ते। नमस्कार। मैं सौरभ पांडे, एक्टर, अभिनेता, बॉम्बे से आया हूँ आपके पास और आपकी इतनी सुंदर कहानी सुनी श्वेत केतु को लेकर और कैसे उनका वार्तालाप अपने पिताजी के साथ हुआ और पिताजी कैसे कितनी सुंदरता से उन्होंने अपने बेटे को समझाया और उसके अंदर जागरूकता आई, अनुभूति आई, काफ़ी कुछ हुआ और मैं अपने आप को भी कहीं रिलेट कर पा रहा था पर मेरे अंदर काफ़ी सारे प्रश्न थे। तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपके इतने सुंदर पीएमसी स्टूडियो में। थैंक यू। बचपन से हम काफ़ी सारी चीज़ें सुनते आते हैं, कहानियाँ उपनिषद से, शास्त्रों से, वेदों से और जिस हिसाब से आपने बताया उससे काफ़ी जागरूकता मेरे अंदर भी आई है और श्वेत केतु की तरह मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा जी, क्योंकि मुझे पता है कि जितने लोग देख रहे हैं उनके अंदर भी ये एक लालसा होगी कि कोई इस तरह के प्रश्न पूछ सके। हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक रोल भी करे हैं, उसमें से एक रोल था भगवान श्री कृष्ण जी का जी सोनी टीवी पर। उस वक्त गाइडेंस में हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, इतना अनुभव होता है, पर इस स्तर पर जैसे कि श्वेत केतु को हुआ इसमें शायद मुझे अभी भी और समय लगेगा और मेरे हिसाब से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके अंदर भी ये एक लालसा है जानने की कि जैसे श्वेत केतु ने अपने आप को पाया तो हम अपने आप को कैसे पा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं जी। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अगर देखें तो हम रोल तो प्ले करते ही हैं, हस्बैंड का, फादर का, ब्रदर्स एंड बाकी सारी अलग अलग तरह के रोल, और किरदारों के लिए जब आए तो मुझे अपने प्रोफेशन में काफ़ी सारे रोल्स करने पड़ते हैं। जितने भी मैंने टीवी शोज़ पहले करे उसमें भी अलग अलग तरह का किरदार, उनको बनाना, उनका एक दायरा, बोली, सोच, समझ, तरीका, आदान प्रदान, वो सब चलता है और मैं भी कई रूपों में बटा हुआ हूँ सबके लिए, आपके लिए एक मित्र में, ब्रदर में, जैसे आप मेरे लिए हैं। पर एक चीज़ तो ज़रूर महसूस होती है कि मुझे और है, कुछ तो है जहाँ पर मैंने छुआ नहीं, या कुछ है जो एक मिठास सी, या कुछ तो है जो निरंतर है और बीच बीच में वो एक, उसको कह लो कि एक धारा, वो टूटती है जाने में अनजाने में कैसे भी जी। तो ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद मेरा केवल ये जो मेरा पहला सवाल होगा कि जैसे श्वेत केतु ने पाया अपने आप को और इतने सारे उदाहरणों से, वैसे कैसे हम अपने आप को, ये पूरा जो एग्जिस्टेंस है, पूरा जो ब्रह्मांड है, हमारे आसपास के जितने लोग हैं, हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, इतने तरह के आदान प्रदान हम विचारों का, और हमारे जीवन में इतनी तरह की परिस्थितियां आते जाते रहती हैं और उन परिस्थितियों के बीच में हम खड़े रह करके कैसे अपने आप को जान सकते हैं जी। एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है अगर साफ बताऊं तो, क्योंकि इंसान के तौर पर मैं भी इंसान हूं, पर ये जानना कि मैं भगवान का हिस्सा हूं, मैं भी वही हूं तत्त्वमसि जी, बिल्कुल, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे करें, कहां शुरू करें? तो देखिए सौरभ, अगर हम इस चीज़ को जीना चाहते हैं, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे रोज़मर्रा के जीवन में इस जानी हुई चीज़ को हम जी सकते हैं,
तो हमारी शुरुआत होगी पहले उसे जानने से। और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में देता हूँ। जैसे एक कलम का काम क्या होता है, कलम क्या करती है, पेन लिखती है। तो जो पेन का या कलम का मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, उसकी मुख्य सामग्री क्या है? इंक। इंक, क्योंकि अगर इंक नहीं होगी तो जो वो उसकी बॉडी है, जो भी उसका आकार बना हुआ है, उसका कोई मकसद नहीं है जी। अगर शक्कर में से मीठा निकाल दिया जाए तो क्या वो शक्कर है? ठीक उसी प्रकार से आपके और मेरे भीतर ऐसा क्या है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो आप नहीं, मैं नहीं। तो हमारी अगर मुख्य सामग्री हमारे अंदर से चली गई तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। आज मेरे कपड़े चले जाएं, मैं तब भी वही रहूँगा। मेरी नौकरी चली जाए, मैं तब भी वही रहूँगा। मेरे बिलीफ सिस्टम्स शायद इस लाइफ टाइम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगले लाइफ टाइम में वो छूट जाएंगे, पर तब भी मैं वही जीवात्मा ही रहूँगा, है ना। पर धीरे धीरे ये जीवात्मा का स्वरूप एक समय में जाके छूट जाएगा, एक ऐसी चीज़ रह जाएगी जो कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकती, वही मेरी मुख्य सामग्री है। और बार बार उस चीज़ पर वापस आना अपने रोज़मर्रा के जीवन में, यही हमें प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे जन्म लेके आए हैं। बहुत सुंदर। तो अगर प्रैक्टिस की बात करें तो जैसे श्वेत केतु ने बाहर किसी गुरुकुल में जा करके विद्या ग्रहण करी जी, ज्ञान ग्रहण किया, अर्जित किया, और ज्ञान आज के टाइम में इंटरनेट पे तो अंतरजाल जिसको हिंदी में बोलेंगे जी भर भर के है। YouTube पे जाएं, Instagram पे जाएं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं तो बहुत है, तो सबको पता तो बहुत कुछ है जी। पर जब अनुभवी तौर पर बात आती है तो वहाँ पर मैं तो कहूँगा कि पता नहीं है, और मेरे लिए भी खोज अभी बाकी है, काफ़ी खोज बाकी है जी जी। तो अगर हम प्रयास की बात करें तो ऐसा क्या कर सकते हैं अपने जीवन में जहाँ पर ये जितना भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसको अनुभवी तौर पर जागरूक अवस्था में कैसे लेकर के आए? तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से बॉम्बे बाय रोड जाना चाहते हैं खुद ड्राइव करके, आपने कभी कार नहीं चलाई, आप पहली बार में ड्राइव करके जाने के लिए थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग नहीं आती। हम क्या करेंगे, एक स्कूल में जाके या अपने किसी रिश्तेदार से थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे 2-3-4-5 महीने के लिए, ताकि मैं उस यात्रा को अपने आप कर पाऊँ। ठीक उसी प्रकार से हम अगर अपने जीवन में किसी चीज़ को जीना चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे अंशों में उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस के रूप में उतारना होगा, छोटी छोटी कॉन्शियस प्रैक्टिसेस लगानी होंगी। जैसे एक हमारी बेसिक प्रैक्टिस जो हम कहते हैं वो है मेडिटेशन। आप ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने माइंड के जो डिफरेंट आपके स्तर हैं उनको शांत करते हैं, और आप उस ब्रह्म का जो स्वाद है जिसे हम सच्चित आनंद कहते हैं, उस आनंद को अपने अंदर महसूस करते हैं। अब मेडिटेशन की प्रैक्टिस क्या करती है, रेगुलरली आपको उस स्टेट में लेकर जाने का प्रयास करती है, आपको उसका स्वाद देती जाती है, इतना स्वाद देती है कि एक समय पर जाकर वो आपके जीवन में सिर्फ मेडिटेशन तक, वो एक घंटे के ध्यान तक सीमित नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में जीने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आता है। जैसे कैसे होता है, जैसे आपने ध्यान में सीखा मुझे दृष्टा बनना है, मुझे साक्षी बनना है, अब जब आपने मेडिटेशन में इसे सक्षम कर लिया, जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ आपको कुछ ना करके साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है, जीवन आपको जो दे रहा है आपको केवल उसी चीज़ को दृष्टा के रूप में लेना है कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसके प्रति विटनेस करना है। अब जब मैं इसे धीरे धीरे अपने जीवन में प्रैक्टिस करता जाऊँगा तो मेरी विटनेस की जो एबिलिटी है वो और स्ट्रेच होती जाएगी, 2 घंटे से 3 घंटे मेरी अवेयरनेस बनेगी, अवेयरनेस फिर धीरे धीरे और बढ़ती हुई 8 घंटे 10 घंटे। हमारे में और परम शक्ति में क्या अंतर है, अवेयरनेस, वो 24x7 अवेयरनेस है और उसके भी पार अवेयरनेस है, हम उस अवेयरनेस को बना रहे हैं, प्रैक्टिस से हम
तो मतलब वो प्रैक्टिस करने वाला जो कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा जी, जिससे कोई निजात नहीं है जी। देखिए ज्ञान तीन तरीकों से अर्जित किया जाता है ना। पहला तरीका जिसे हम कहते हैं श्रवण, श्रवण यानी कि सुनना, सुन रहा हूँ है ना, श्वेत केतु ने सुना जी है ना, उसके ऊपर सुनना। जब हम किसी नई चीज़ को सुनते हैं हम उसके साथ एक टक होकर उसे अपने अंदर उतारते हैं, श्रवण। फिर आता है मनन, मनन यानी कि जब आपने सुन लिया अब आप उसके साथ बैठोगे, थोड़ा अपनी कॉपी में लिखोगे, थोड़ा सेल्फ इंक्वायरी करोगे, थोड़े क्वेश्चंस रेज करोगे है ना। अगर क्वेश्चन होंगे तो वापस जिसने श्रवण करवाया उसके पास जाओगे, एक गुरु के पास बैठोगे ना, किसी के पास जाएंगे हम, तो उन प्रश्नों का हम मनन चिंतन करेंगे। अंत में जो अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं निधिध्यासा, निधिध्यासा यानी कि अभ्यास, नित्य अभ्यास, निधि ध्यासा यानी कि नित्य अभ्यास, उस चीज़ का हम अभ्यास करते हैं। जो हमने सीखा हम कह रहे हैं तत्वमसी, यानी कि शेर का बच्चा शेर, हम ये कह रहे हैं अब मुझे अपने जीवन में इसको जीना है। कैसे जीऊँगा? अगर मुझे कोई भय की सिचुएशन आती है तो मैं सोचूंगा वो जिस शेर से मैं आया हूँ वो शेर कैसे करेगा, और उसी अवस्था से उस चीज़ को जीने का प्रयास करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ी नाक करके बोलूं, छोटी नाक, क्योंकि जो परम शक्ति है वो हमेशा हमें विनम्रता सिखाती है। हम देखते हैं ना वो जो झाल है जो जिस पे ज़्यादा फूल लगे हैं वो सबसे ज़्यादा झुकी होती है। तो यहीं पर मेरा अब एक और सवाल आता है विनम्रता को लेकर के, और हमारे सोशल स्टेटस में अलग अलग टैग लगे होते हैं हमारे ऊपर कि मैं CEO हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, कोई CEO है, कोई MD है, कोई MBBS है, कोई MD है, पर इसमें एक हमारे एक आइडेंटिटी बनी होती है, एक स्टेटस बना होता है, और उस स्टेटस को सोसाइटी में रखते हुए अक्सर ये होता है कि विनम्र भाव भूलकर हम वो बन जाते हैं और एक अहंकार तो रहता है जी कि मैं ये हूँ बोल कैसे दिया या अब इस ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है कि जब मैं इतना कुछ हूँ और मुझे इतना कुछ पता है और मैंने इतना जीवन जिया है, मुझे इतना अनुभव है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो मुझे मैं जान के क्या करूँ, अच्छा मैं तकलीफ़ में हूँ जो कुछ भी है, मुझे अगर अपने उस स्वरूप को जानना है या उस रूप को जानना है, उसके साथ एक होना है, तो ये विनम्रता पर कैसे काम करे कि ये हम्बलनेस रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि मैं, हम कहते तो हैं कि मैं हम्बल हूँ, पर क्या ये कैसे पता चले कि क्या मैं सच में हम्बल हूँ जी? जी इसका कुछ तो हल बताइए जी। तो देखिए जो आपने किरदारों की बात करी, एक डॉक्टर, पेशे से लॉयर, एक्टर, ना ये सब हमारे सांसारिक किरदार हैं। क्यों सांसारिक किरदार हैं? क्योंकि ये कुछ समय तक हमारे साथ रहने वाले, कईयों के साथ वो 4 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, कईयों के साथ रिटायरमेंट तक रहेंगे, कईयों के साथ आखिरी सांस तक रहेंगे, पर उसके बाद क्या, ये सांसारिक जो किरदार है यहीं का यहीं रह जाएगा राइट। तो यानी कि ये जो किरदार है ये हमारा वास्तविक किरदार नहीं है, और मैं कहूँ कि अगर हम इस किरदार के साथ अगर जुड़कर अपना जीवन देखने लग जाए, जो हमारा वास्तविक किरदार है ना उसको हम निम्न कर रहे हैं, अपनी शक्ति को कम कर रहे हैं। और तो जो किरदार हम प्ले करते हैं वो हम नहीं है, वो पूरा जीवन वो नहीं है, वो जीवन वो नहीं है। हमारा मेन किरदार वो है जो सारे जीवन से, सारे जन्मों से बहकर निकलता है, अलग अलग किरदार, अलग अलग जो प्ले कर रहा है, हाँ, जो कभी भी, जिसको बुढ़ापा नहीं आता, जिसको कभी मृत्यु नहीं आती, जिसका कोई परिचय नहीं है, जो कभी नहीं बदलता, हम वो हैं। ओके तो हम सब जो आपको सुन रहे हैं, आज की जनरेशन आपको सुन रही है, ऐसा कुछ आप कुछ बता सकते हो या कोई प्रैक्टिस बता सकते हो या कुछ टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद? हाँ, इतना अनुभव तो है कि इतना देखकर और सुनकर लग रहा है, और श्वेत केतु की कहानी सुनकर के भी लग रहा है कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है जी, कई लोगों की शुरुआत नहीं हुई है जो लोग सुन भी रहे हैं, और एक चींटी चढ़ी पहाड़ पर वाली जो कहावत होती है वो गिरती भी है पर निरंतर कोशिश करते रहते फाइनली चढ़ जाती है। उसी हिसाब से मैं भी अपने आप को एक चींटी की तरह समझ पा रहा हूँ कि मैं भी एक चींटी हूँ, हाथ में शायद आपकी इन कहानियों से, इस ज्ञान से अवजार तो आ गए हैं,
पर अब मैं इसकी चढ़ाई कैसे शुरू करूँ, कुछ अगर आप कोई टेक्निक या कुछ आप अगर समझा दें तो मैं आज से शुरू कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले कहा, ध्यान, हम अपने साथ कुछ समय व्यतीत करना शुरू करें, अपने साथ बैठें, अपनी सांसों के साथ जुड़ें, अपने मन को खाली होने दें, मन को भी घुलने दें उस परम शक्ति के आनंद में। देखिए, उस आनंद में अगर हम रहना चाहते हैं तो पहले उसका स्वाद तो चखना होगा ना, नहीं तो हम कैसे रहेंगे उसके अंदर। तो ध्यान हमें क्या करता, उसका स्वाद चखाता। जब कोई व्यक्ति एंजाइटी डिप्रेशन में रहता है, जब वो पहली बार ध्यान करता है, क्या कहता है, मेरे अंदर शांति आई। उसे तब तक पता ही नहीं चलेगा शांति क्या है जब तक वो बैठेगा नहीं। तो इसीलिए अगर हम शुगर की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो पहले थोड़ा शुगर खा के देखें ना, शुगर कैसी लगती कैसी है। तो ये हमें ध्यान वही हेल्प करता है उस चीज़ को जानने में कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वास्तव में उसके नज़दीक जाना वो क्या है, कैसा अनुभव है। तो पहले हम ध्यान से शुरुआत करें। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू करें। हम कहते हैं स्वाध्याय, है ना, अच्छी किताबें पढ़ें जिससे आपको अपने लिए थोड़ा ज्ञान अर्जित हो, थोड़ा श्रवण पे काम करें अपने, है ना, सुनने पे काम करें। अच्छी, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि संत, बहुत अच्छे अच्छे हमारे मास्टर्स रह चुके हैं हमारी सुंदर भूमि पे, पूरे विश्व में, जिनसे हम बहुत कुछ उनकी किताबों के माध्यम से सीख सकते हैं। और आजकल तो पॉडकास्ट का ज़माना है, स्पॉटिफाई का ज़माना है, तो हम बहुत कुछ उसके तरीके से भी ले सकते हैं। फिर इन चीज़ों को करने के बाद हमें ये प्रश्न खुद से करना चाहिए जो आपने मुझे पूछा है, वो ये कि अब इस चीज़ को मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं। अब मुझे अगर पता चल गया कि तत्वमसी, देखिए जब हमें ये पता चल जाएगा ना तत्वमसी, तो जीवन जीने का तरीका, कला खुद आ जाएगी, क्योंकि तत्वमसी तक पहुंचना परिश्रम का काम है, इसके लिए एफर्ट लगेगा, तभी हम एफर्टलेस बनेंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जब हम परिश्रम करते जाएंगे, जब हम उसको जान लेंगे, तो वो आचरण में अपने आप बहेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। सिर्फ मुझे ये जानना है, मुझे अपने से ये पूछना है कि मुझे इसको अपने जीवन में अब जीना है, मैं जीने के लिए तैयार हूँ। तो सृष्टि क्या करेगी, आपको वो सारी परिस्थितियाँ देगी जिसमें आप उसको जीने के लिए तैयार होंगे। तो अगर आपने जाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, तो कोई अशांत व्यक्ति आएगा, अच्छा, आपको आपका टेस्ट लेगा। अरे बाप रे। क्योंकि परीक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप को जानते हैं ना। और ये परीक्षा वो नहीं है कि आपको नीचे धकेलने के लिए, परीक्षा सिर्फ ताकि आप अपने आप को निखार पाए, है ना। कोयला भट्टी में जाकर ही अपना असली स्वरूप जानता है। उसी प्रकार से जब हम अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब हम अपने अपने स्वरूप को जानते हैं। और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, जिसको करने से आप अपने जीवन में मेडिटेशन को पूरे अच्छे से जीना शुरू कर देंगे, वो है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना। प्रयास करना कि हम जो काम कर रहे हैं उसको अपनी इंद्रियों के साथ पूरा अटेंशन और फोकस से उसको अपना टाइम स्पेंड करना। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम जब कोई काम करते हैं हमारा माइंड कहीं और भाग रहा होता है, फिजिकली हम कहीं पर हैं, मेंटली हम कहीं और होते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि हम एनर्जी अपनी ड्रेन करते हैं, हम जो करना चाहते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी पूरी अच्छे से नहीं आती और उस चीज़ को करने में समय लगता है। तो अगर हमारे साथ जो भी हो रहा है, सृष्टि से भी हमारे साथ जो हमारे चीज़ सामने आई है, अगर हम उसके साथ प्रस्तुत रहें प्रस्तुत क्षण में, तो होगा क्या, हमारी जागरूकता बढ़ती ही जाएगी। ये जो आपने बोला ये बहुत बढ़िया, पर कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस में कितने भी संत महात्मा या जितने भी स्पिरिचुअल फिगर्स हैं आज के टाइम में, आध्यात्मिक रूप हैं जितने भी इंटरनेट पे, वो सब लोग एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, सांस पर ध्यान दो, सांस अंदर लो, सांस बाहर निकालो। ये सांस का क्या खेल है, क्या है सांस, ये मतलब व्हाट इज, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है सांस का। देखिए, सांस अगर हम फिजिकल बॉडी के रूप से लेंगे तो हमें क्या लगता है कि O2 लेना और CO2 रिलीज करना जी। पर अगर हम इसी चीज़ को अपने सटल एस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सांस स्पिरिट को अपनी बॉडी में रोकने का साधन है।
आत्मा को रोकने का? अगर सांस नहीं होगी तो आत्मा भी हमारा शरीर छोड़ चुकी होगी। मृत्यु के समय क्या होता है, सांस नहीं होती तो आत्मा शरीर में नहीं होती जी, है ना। तो अपने स्पिरिट को, अपनी आत्मा को अपने शरीर में रोकने का एक तरह से माध्यम बनती है हमारी सांस। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, पर आपको अपनी सांसों पर कुछ एफर्ट डालना पड़ता है? नहीं। आप सोते भी होंगे, सांस तब भी चलेगी? बिल्कुल। तो यानी कि इसके अंदर जो मन का इंटरवेंशन है वो कम है। अब देखिए, अब मैं कहूँ आपने ये हाथ में ये कड़ा पहना है, जैसे ही मैंने ये सोचा, मन ने इसका कलर भी, मन ने सब कुछ सोचना इसके बारे में शुरू कर दिया, है ना। पर सांस इसका कोई इफेक्ट नहीं, सांस माइंड से आगे जाने का एक माध्यम बन सकता है हमारे लिए, इसीलिए हम सांसों पर ध्यान देते हैं, प्राकृतिक सांसों पर, जो टेकन फॉर ग्रांटेड हम ले जाते हैं। पर अगर हम उसी सांसों के साथ रुकने का प्रयास करें तो हम जानेंगे कि ये सांस हमें अपने वास्तविक स्वरूप के नज़दीक लेकर जा सकती है। फिर ये सांस भी धीरे धीरे बदलती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होके यहाँ पे स्थिर हो जाएगी। तो कोई भी मेडिटेशन क्या वो बिना सांस के हम कर सकते हैं, या सांस पे फोकस करते करते ही हम डीप जा सकते हैं, कि यही रास्ता है, यही तरीका है? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं ध्यान करने के, है ना। पर्पस ध्यान का क्या होता है कि हमें मन से पार जाना है, मन जो इधर उधर भागता रहता है, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। देखिए, आपने कृष्ण का रोल निभाया, कृष्ण की जो भूमि है वृंदावन जी, अब वृंदावन आप गए होंगे, मुझसे निभाया गया जी जी, तो आप वृंदावन गए, वृंदावन में आपने बंदर देखे हैं? हाँ हाँ, बहुत देखे हैं। तो बंदर वो क्या करते हैं, आपका चश्मा ले जाएंगे, आपका बैग ले जाएंगे, मोबाइल फोन ले जाएंगे। पर जैसे ही आप बंदर को कुछ और दोगे, फ्रूटी, है ना, फ्रूटी दे दी, अब बंदर क्या करता है, उस चीज को छोड़ देता है और अपनी फ्रूटी लेके चले जाता है। हमारा मन भी इसी बंदर की तरह है। इस मन को कुछ ना कुछ स्थिर रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये पहले आपसे, आपके चश्मा और आपकी सारी चीज़ें आपसे खींचता रहता है और आप परेशान होते रहते हो, पूरा ध्यान खींच लेता है, पूरा ध्यान ले जाता है और आप कहते हो दे दो, वो ऐसे नहीं देगा, नहीं देता। आपको इसे कुछ और देना होगा ताकि ये आपकी चीज़ वापस कर पाए। क्या दे? सांस। इसीलिए हम इसे सांस देते हैं, ताकि तुम अपनी सांसों पर रुको और जो चीज़ तुम्हारे साथ तुमने ऐसे रोक के रखी हुई है वो अपने आप ही छोड़ देगा। धीरे धीरे सांसों के साथ रहते रहते मन फिर स्थिर होने लगेगा। बंदर कहाँ जाएगा? बंदर भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। शुरुआत में बंदर क्या करेगा, और नाचेगा और कूदेगा। जैसे माइंड भी क्या करेगा, आप जैसे ही स्थिर बैठने का प्रयास करोगे, सांसों के ऊपर आओगे, बहुत सारे थॉट्स लाएगा, आपको और परेशान करने की कोशिश करेगा। और अगर आप उन थॉट्स में उलझ गए तो फिर मन जो है वो राजा बन गया, आप उसके दास बन गए। पर अगर आप वापस से अपनी सांसों पर आते जाओगे और मन से इंटरैक्ट नहीं करोगे, जो वो कर रहा है उसे करने दो, हम अपनी सांसों पर रहें, ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा, अब ये व्यक्ति मेरे हाथ में नहीं है। तो हनुमान जी की तरह, पवन पुत्र की तरह हम शांत हो जाएंगे। बिल्कुल। धीरे धीरे फिर वो जो हमारे विचार हैं वो 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1 अपने आप शून्यता की ओर जाएंगे। ये आप अपने अनुभव से बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश के साथ, हमारे देश के स्टेट के साथ, सिटी के साथ, और जहाँ पर हम जाते हैं, परिवार, सोसाइटी, मैं, हम, तो इन सब के साथ अगर हमें अपनी, क्योंकि हम सारे के सारे सांस ले रहे हैं जी, CO2 पूरी धरती पर है, पर क्या हम सांसों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े भी रह सकते हैं? क्या ऐसा होता है? क्या हम सांसों के माध्यम से, और जब ध्यान में हमारा मन शांत हो जाता है, वो जो बंदर है हनुमान जी पवन पुत्र की तरह शांत हो जाता है, तो क्या तब हमें ये अनुभव होना शुरू होता है कि मैं एक हूँ, मैं सबके साथ एक हूँ, हम और तुम में कोई अलग नहीं है? ये जो श्वेत केतु को बाद में अनुभव हुआ जी, उससे पहले तो उनके पिताजी ने बोला कि तुमने जो सीख के आया वो कुछ नहीं सीखा तुमने जी, वो केवल ऊपरी का है अनुभव ही। तो जब उसके अंदर लालसा जगी, जागरूकति होना शुरू हुई, एक एक करके वो पूछता गया, और बताइए पिताजी, और बताइए पिताजी, और कैसे, और कैसे, और जैसे जैसे वो उनको
अनुभवी ज्ञान देते गए और उनको अनुभव होता चला गया, तो फाइनली वो उस अवस्था में पहुंचे जहां पर हम ब्रह्म अस्मि सत्य हो जाता है, अनुभव तौर पे सत्य हो जाता है जी। तो यही तरीका, जैसे कि पत्री जी भी बताते हैं कि सांसों पर ध्यान दो जी जी जी, और सभी लोग बोलते हैं सांसों पर ध्यान दो। उसके बाद आपने बोला कि ध्यान और शांति और फिर एकता हो जाएगी। तो देखिए, अगर हमें इंटरकनेक्टेडनेस एक्सपीरियंस करनी है ना, आपको मुझसे, हम पूरी सृष्टि के साथ अगर हम एक होना चाहते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस से ज़रूरी है इनर कनेक्टेडनेस। जब हम इनर कनेक्टेडनेस बनाएंगे तो इंटरकनेक्टेडनेस तो उसका एक्सटेंशन है। जैसे हम बहुत सारी शक्कर की बात कर रहे हैं, तो मैं वापस से आपको शक्कर पर लेकर आता हूँ। गन्ने से हम चीनी बनाते हैं ना, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, गुड़, शक्कर ना, गुड़ की शक्कर निकलती है, पर और मोलेसिस भी निकलता है। मोलेसिस क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है। तो उसी प्रकार से जब हम अपने एक्चुअल आउटकम को पा लेते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, तो ये वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना ये एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही होगा। तो हमारे शरीर के अंदर हम, मतलब मैं कौन हूँ और ये शरीर क्या है, जब आपको मैं कौन हूँ पता चला तो मैं का फिर परिभाषा भी पता चलेगा कि मैं केवल इस शरीर में रहने वाला नहीं हूँ। मुझे लगे ये मेरा हाथ है, पर अब हाथ नहीं है, पर तब भी यहाँ पे क्या है वो चीज़ जो अभी भी विद्यमान है, वो मैं हूँ। शरीर के अंदर ही केवल मैं नहीं हूँ, शरीर के बाहर भी मैं हूँ। चेतना यहाँ पे अंदर है तब मुझे हाथ दिख रहा है, पर जैसे ही मेरा हाथ हटा, चेतना तब भी यहाँ पे है, भले ही वहाँ कुछ दिखे ना दिखे, पर चेतना सर्वव्यापी है। जैसे उन्होंने बताया ना, नमक का डला सर्वव्यापी, ऑल प्रिवेडिंग, सृष्टि के कण कण में वो चीज़ है। फिर हम अपने आप को सिर्फ शरीर नहीं देखते कि मेरे शरीर में जो रह रहा है, सब जगह पे फिर वो चीज़ दिखती है। वो आप इनर कनेक्टेडनेस की बात कर रहे हैं कि इनर कनेक्टेडनेस हो जाता है, ये मैं अपने अंदर इनर कनेक्टेडनेस किसके साथ कर रहा हूँ? जी, जीवात्मा परमात्मा। हाँ, तो मेरे अंदर दो भाग हैं क्या? जी, जीवात्मा है? जीवात्मा है जिसके ऊपर चित्त बना हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे विकार, कंडीशनिंग, सबकॉन्शियस माइंड बना हुआ है, जिसको लगता है जो मेरे संसार में पाया वही मेरा है, जो थोड़ा अहंकार में चलता है, थोड़ा अज्ञान इग्नोरेंस में रहता है, अपने छोटे स्वरूप को ही देख के बड़ा खुश होता रहता है। पर हमारा परमात्मा स्वरूप, हमारा आत्मा स्वरूप क्या है, जो एक वृक्ष की तरह है, जो हमारा पूर्ण स्वरूप है, जैसे सागर है ना। नदी सोचे कि मैं बहुत बड़ी हूँ, पर नदी जब सागर को जानेगी तब उसको पता चलेगा कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये हमारे अंदर, जैसे बोलते हैं परमात्मा, कई बार बचपन से सुनते हैं परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं जी। तो अगर परमात्मा हृदय में वास करते हैं तो मैं कहाँ वास कर रहा हूँ? परमात्मा सब जगह वास करता है, हृदय में भी है, शरीर के कण कण में, केवल हृदय नहीं, शरीर के कण कण में वो शक्ति वास करती है। जैसे नमक पानी में कण कण में है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। वो ये नहीं कह सकते कि नमक जो है पानी के निचले हिस्से में ही है, सब जगह है। ठीक उसी प्रकार से जो चेतना है, जो चैतन्य है, वो पूरे शरीर में मौजूद है, शरीर के बाहर भी मौजूद है। क्या हमारे अंदर इनर कनेक्टेडनेस हृदय से शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो नौसिखिया हूँ। अगर मैं बोलूँ, मैं मतलब हम कितने सारे लोगों की आवाज़ कि, पर जब ये एक छोटी सी बात बचपन में भी सुनी थी कि परमात्मा हृदय में वास करते हैं, तो ये एक चीज़ मुझे ये समझ में आई थी कि हाँ, कि यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, देखिए, हम हृदय से क्यों शुरुआत करते हैं? क्योंकि हृदय हमें प्रेम का अनुभव देता है, और प्रेम अपने आप में एक बहुत प्योर, जिसको कह लीजिए प्योर फीलिंग होती है। हम कहते हैं ना, किसी को प्रेम हो तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस प्रेम को जब आप अनुभव करते हैं, वो एक छोटा सा अंश है उस परम शक्ति के प्रेम का। प्रेम केवल आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं, प्रेम मतलब प्रेम प्रेम है। प्रेम, और यही प्रेम विनम्रता है। अच्छा, तो मतलब प्रेम सबके लिए एक समान, ऐसा? तो मतलब वो तो फिर जागरूक करना पड़ेगा। जी देखिए, काम तो सबको करना पड़ेगा ना। अब कोई आपको खाना बना के दे सकता है, पर आपको निवाला तोड़कर खुद ही मुंह में डालना है,
तो मुझे एक बात तो इस बात से आपके सारे वचनों को सुनने से एक बात तो मुझे अच्छी तरह कंठस्थ हो गई है, वो ये है कि आपको 10 मिनट शायद सुबह और 10 मिनट रात को सोने से पहले खुद के साथ बैठना पड़ेगा और सांसों पर ध्यान देना पड़ेगा जी। और साथ में उस ध्यान को मुझे जीना है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में जीना है। तो वो कैसे होगा? जब मैं अपने आप को ये पूछूंगा कि मैं कैसे अपने जीवन में इस ध्यान को जी सकता हूँ, भले ही मेरे आचरण में आए। मैं अगर बहुत वाचाल वृत्ति का हूँ, बहुत तेज़ बोल देता हूँ, किसी को क्रोध करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ध्यान बताएगा कि दृष्टा बनो, एक्शंस में जाने की बजाय जो आपके अंदर अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स उठ रही हैं उनके दृष्टा बनो, पेशेंस सीखो, मौन रहना सीखो, अपने आचरण में थोड़ा दया लाओ। ऐसी चीज़ें मुझे अपने आप अंदर से आएंगी, और जब मैं जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करता जाऊँगा मेरा अपने आप ही शुद्धिकरण होता जाएगा। ये इतनी सारी चीज़ें आपने बोली तो ये बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो क्या ये अपने आप अलाइनमेंट में आ सकता है, अपने आप अपनी धारा में आ सकता है जब हम अपना ये क्रिया करेंगे? बिल्कुल। या जब ध्यान क्रिया करेंगे या बैठेंगे सांसों के साथ जुड़ेंगे तो क्या ये नेचुरली होगा या इस पर भी ध्यान, मतलब हाँ, पर क्या ये नेचुरली हो सकता है, अपने आप चीज़ें अपने स्थल पर आ जाएंगी? हमें बहुत ज़्यादा नहीं 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 अब मुझे अच्छा बनना है, नहीं नहीं अब मुझे ऐसा करना है, ये काफ़ी टेंशन हो जाता है ऐसा सुनना, काफ़ी स्ट्रेस आता है। बिल्कुल, देखिए रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। तो उसके लिए पेशेंस, प्रकृति हमें क्या सिखाती है? पेशेंस। आज जो आज आपने बीज लगाया वो आज ही इतने बड़े आम थोड़ी दे देगा, पेशेंस। सृष्टि हमें पेशेंस सिखाती है कि हमें भी अपनी प्रगति के प्रति पेशेंस रखना जरूरी है, और हम अपना काम करते जाएं उस चीज़ में हम सिंसेरिटी रखें कि हाँ अगर मैंने किसी चीज़ का अनुशासन बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है, मैं उसको करूं, रेगुलरली करूं, और जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा, मैंने ए सीख लिया, जब मेरा ए हो जाएगा तो बी अपने आप खुल जाएगा। सृष्टि इस तरह से बुनी हुई है, उसको पता है आपको अब क्या सीखना है, तो वो अपने आप ही आपको उस चीज़ के प्रति सजग कर देगी। ऐसे करते 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 हम अपने आप को जानते हैं, तो शांति से पेशेंस आएगा। बिल्कुल, धैर्य रखना, अपने साथ कहीं टिक के बैठना, और शांति आपने बोला वो ध्यान से आएगी। बिल्कुल, सांसों से जुड़कर ध्यान करके शांति आएगी, तो शांति से पेशेंस आएगा, फिर हम सब चीज सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। अभी क्या है, मन भाग रहा है, भागेगा तो फिर क्या सीखेंगे? अब घड़ा भरा हुआ है, उसमें क्या जल डालोगे? थोड़ा घड़े को खाली करो, खाली करना यानी कि थोड़ा पेशेंस से, धैर्य से अपने साथ बैठना, शांत रहना, और अपने आप को कहना मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आता नहीं, तभी तो उसके अंदर कुछ डलेगा ना। तो जैसे श्वेत केतु के अंदर शुरुआत में इच्छा नहीं थी, पर बाद में धीरे धीरे उनमें इच्छा जगी, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे, क्यों हमें ये जर्नी लेनी चाहिए, क्यों हमें अपने अंदर ये इच्छा जागृत करनी चाहिए? देखिए अगर आप संतुष्ट जीना चाहते हैं, खुश जीना चाहते हैं, अपने आप को रिश्तों में अच्छे से अनुभव करना चाहते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और दूसरों में खुशी बांटना चाहते हैं, तो हमें ये प्रश्न खुद को पूछना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। कंफर्ट जोन जो होता है उसको फिर उससे बाहर निकलना पड़ेगा उसके। जी जी बिल्कुल। जैसे शुरुआत में श्वेत केतु रेडी नहीं था, तो वो क्या है, एक इग्नोरेंस का रूप है, अज्ञान का स्वरूप है। पर अज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि जो अज्ञानी है वो चिरकाल तक निरंतर तक अज्ञानी ही रहेगा। हमारे प्राचीन कथाओं में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जो व्यक्ति अज्ञानी शुरुआत में था पर वो ज्ञानी बन गया। रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षुक बन गए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अज्ञानी को भी ज्ञान से ही परिवर्तित किया जा सकता है, और सबके लिए एक समान उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। और कुछ आप हमें अनुभूतियाँ के माध्यम पर चलने के लिए और भी कुछ अगर आप हमें बताना चाहें, हम सबको अपनी तरफ से, तो प्लीज़। चलिए अब हम थोड़ा ध्यान करते हैं, और उस परम शक्ति के एक स्वरूप के ऊपर हर एपिसोड में हम ध्यान करते हैं। तो आज जो हम स्वरूप जिस पर हम ध्यान करेंगे वो है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, यस, विच इज ऑल प्रिवेडिंग।
ठीक है, ध्यान करिए आप सब, समझ गए? ओके, तो आइए आप अपनी पांव को लॉक कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, रिश्ता बनेंगे अपनी आती जाती सांसों के। आप अपनी नाक के नीचे रह सकते हैं जहां आप अपनी सांसों को आता जाता महसूस करते हैं, या छाती के उतार चढ़ाव पे रह सकते हैं, जहां आपको सुविधा हो आप वहां रुक सकते हैं। कुछ काम नहीं करना, सब क्रियाओं को छोड़ देना है, केवल अपनी सांसों के दृष्टा बनना है। मन में विचार आए तो उन विचारों से बात नहीं करनी, विनम्रता पूर्वक अपनी सांसों के साथ बने रहे, प्राकृतिक सांसों के साथ। अब इस समय खुद से प्रश्न करें, मेरे भीतर सर्वव्यापी क्या है? उसका दृष्टा बनने की कोशिश करें। केवल ऐसी मंशा होनी ही आपको उस सर्वव्यापकता से जोड़ देगी। मेरा सर्वव्यापी स्वरूप जो मेरी मुख्य सामग्री है, जिसके चले जाने से मैं नहीं हूं। खुद में इस सर्वव्यापकता को महसूस करते हुए आप खुद के बाहर भी इसे महसूस कर सकते हैं, जो पूरी सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में, स्थूल में, सूक्ष्म में, सब जगह पर व्याप्त है। आखिरी एक मिनट, उस सर्वव्यापी तत्व से जुड़े रहे। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए और फिर धीरे धीरे हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलें। मैं खो गया था? नहीं, ऐसा लगा जैसे कि कुछ नहीं है, ना कलर का अनुभव था, ना अंधकार का कोई अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा क्लियर सा फील हो रहा था। ये अच्छा अनुभव है। बहुत बढ़िया अनुभव है दोस्तों। बहुत बढ़िया अनुभव। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म एक है और उसका दूसरा कुछ नहीं।